हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और देखो सत्य, यहाँ एक तो ना दोस्तों हमारे घर में इतनी छिपकली हो गई है, लेजर्ड्स हो गई हैं। मतलब हमारे घर में ना एक छिपकली घुसी थी। ये सब छोड़ो, वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ आप लोग कैसे हो यार। मतलब मैं 4-5 दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। एक्चुअली ना मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग में मतलब वो ये है कि अभी मैं थोड़ा बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ, टूर पे नहीं जा रही हूँ, कोई काम से बाहर नहीं निकलती हूँ। एक तो हम लोग नोएडा में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर है, दिल्ली क्षेत्र में हम जाते नहीं हैं, इधर उधर जाते नहीं हैं, नॉर्थ प्लेस भी नहीं जाते क्योंकि वो सब चीज़ें आपको पता है मौज मस्ती हैं, वो सब मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी पार्टीज़ वगैरह नहीं करती हूँ, मैं घर में रहती हूँ मोस्टली। तो इसके लिए दोस्तों एक अनाया भी चली गई। अनाया जब से गई मेरा दिल टूट गया है। मतलब दिल वैसे है, अनाया अपने घर में ही है अपने मम्मी पापा के साथ, बट अनाया थी तो ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता था, अनाया को दिखाने में मज़ा आता था, उसकी ग्रोथ को दिखाने में मज़ा आता था। अभी तो कुछ खास है नहीं, इसके लिए मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बना दूँ बड़े ब्लॉग की जगह, तो इसके लिए मैं वही कर रही हूँ आजकल। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख लिया करो जाकर, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके कर लो। मेरी मेहनत पर भी थोड़ा सा यार कुछ किया करो, मेरी मेहनत को बढ़ाया करो, आगे से आगे वीडियो शेयर किया करो। सीटियाँ देख रहे हो, राजमा चढ़ा दी मैंने, आला साला था, मुझे बहुत लुक जाए। ये राजमा हमारे हो गए होंगे आई थिंक सो, 10 सीटियाँ आ गई हैं। ये ब्रोकली मेरी उबल रही है ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ देखो दोस्तों, मैंने ये प्याज का पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने मिर्ची और टमाटर का पेस्ट भी कर लिया है। बता नहीं सकती आपको इतना आला साला था ना, इतना आला साला था। मैं सोई हूँ सुबह 7 बजे और 10:30 बजे मैं उठ गई क्योंकि डिलीवरी बॉय आया था मीशो से, मैंने कुछ मंगाया था, प्रोडक्ट मंगाया था कुछ, तो शायद शूज़ या कपड़े थे बट मैंने नहीं लिए क्योंकि भाई मीशो पे इतने गंदे वो आते हैं, इतने गंदे आते हैं और जब आ जाए तो उसको वापसी करने जाओ तो वापसी भी नहीं होते हैं। बुराई नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ एक्चुअल वही बता रही हूँ। मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था मीशो से, मतलब देखने में कुछ और था, जब वो आया तो इतना घटिया था बाबा, इतना घटिया था, उसका मटेरियल इतना घटिया था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ना कतरन वतन इकट्ठे करके कपड़े सिल के दे दिए हों, तो ऐसा लगा मुझे तो ड्रेस भैया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग मंगा सकते हो, मुझे तो पसंद नहीं आया। मतलब देखने में कुछ और होता है, मंगाने में कुछ और होता है, बहुत ही बेकार लगा मुझे मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने अदरवाइज़ कभी ट्राई नहीं किया। और जो आज आया था सामान, क्योंकि मैं इतने दिन से बोल रही हूँ मेरा सामान वापसी लेके जाओ, वापसी लेके जाओ, क्योंकि मुझे साइज़ तो फिट आया ही नहीं एंड उसका जो मटेरियल था बहुत ही चीप था। मैं नहीं पहन सकती ऐसे कपड़े, नहीं पहन सकती हूँ। ज़्यादा वाजा के कपड़े पहनने वाला इंसान कुछ मंगाए और वो भी ऐसा आ जाए गद्दी वाला, तो कैसे पहनेगा? ऐसा मत सोचना, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ जो ब्रांड यूज़ करती हूँ उसके बारे में ही बता रही हूँ दोस्तों आपको। बट शीन बहुत अच्छा है, शीन हो गया, अल्बैनिक हो गया, अल्बैनिक से कपड़े मंगाएंगे तो बहुत अच्छे मिलते हैं। फिलहाल ज़रा मेरे छोले वो मेरे ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं हमारे किचन में से। मैं तो कभी कभी अपने घर में ना दोपहर में भी डर जाती हूँ। फिलहाल मेरे घर में ना मम्मी, मतलब अमान तो चला गया ऊपर फ्लोर पे, उसका दोस्त रहता है रोहित, और मम्मी सो जाएंगे। मैंने सोचा मम्मी को सरप्राइज़ दे दूँ आज, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरी बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनका जितना काम कोई भी नहीं करता है। मतलब इस उम्र में भी, उम्र माशाल्लाह उनकी अच्छी है और वो भी बहुत तंदुरुस्त है, और खुदा करे हमेशा तंदुरुस्त है मेरी उम्र लगे उन्हें, बट वो इतना काम करती है ना कि मतलब घर की बहू बेटी क्या ही काम करेगी जो माँ कर जाती है, इतना करती है। मेरी माँ तो बहुत करती है, आप लोगों की माँ का नहीं पता मुझे, बट सबकी माएँ बहुत अच्छी होती है। मैं तो यही कहूँगी अपनी माँ को जितना आराम दे सके दे, क्योंकि उन्होंने अपनी मतलब खूबसूरती जवानी सब निकाल दी हमें बड़ा करने में, और क्या लेंगे उनसे हम। दोस्तों राजमा की प्योरी बना ली है, साथ ही साथ मैंने रख दिया तवा, तवा के मैं ये चढ़ा दूँ ना जल्दी से, भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। राजमा हमारे उबल चुके हैं दोस्तों। अब मुझे ये नहीं पता कि राजमा का पानी भी डाल देते हैं या राजमा का पानी फेंक देते हैं। ये तो मम्मी ने कभी ज़िंदगी में सारी चीज़ें मेरी माँ ने ऐसे ही सीखी हैं, मैंने मतलब उनको देख देख के सीखी, उनसे कभी पूछा नहीं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बट ये पूछना भूल गई कि राजमा का पानी फेंक देते हैं या राजमा का पानी डाल देते हैं। आप लोगों को पता है कि राजमा का पानी फेंक देते हैं या डाल देते हैं? पता है तो बता देना यार, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मम्मी के साथ पूछती हूँ जाके। दोस्तों मैं सो गई थी और मैं उठ गई हूँ, आज मैं आपको मम्मी को भी दिखाती हूँ। मम्मी मम्मी के हाल चाल ज़रा ठीक नहीं है, मम्मी क्या है मुझे बाद में दिखाना। मैं तो सो के उठ गई हूँ, मेरी आँख लग गई थी और बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। आ गई। आज इन्होंने बड़े टेस्टी राजमा बनाए हैं, बड़े मस्त पंजाबी राजमा, जो कि रासमा नहीं राजमा। एंड मैं चावल राइस बना रही हूँ और उसके बाद ये हम खाएंगे।
मैं पता सो के अब उठी हूँ और अब टाइम हो रहा है 7 o'clock हो गए हैं, इवनिंग हो गई, शाम हो गई है। बस जल्दी से ये दोस्तों खाना वाना खाएंगे, क्योंकि मैं तो ब्रोकली खा के सो गई थी, मेरी नींद इतनी तेज आ गई मेरे बाप में। हैं ब्रोकली आपने खाई? दोस्तों आज हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं। फिलहाल तो हम तैयार हुए थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता आजकल हम डेली वीडियो बना रहे हैं, इन्हें देखना कैसे आ रही हैं, ऐसे ही आओगे आप झुट्टे खाते हुए। मैंने अभी मुझे तैयार कराया, मैं इतनी मस्त मूवी देख रही थी, इन्होंने ना मेरा टीवी वीवी सब बंद कर दिया और ना खूब खुशी से तैयार खुद बैठ गई हैं। तो फिलहाल तो कैसी लगी थी सब्जी? अच्छी होनी थी ना राजमा चावल? जी बहुत अच्छी बनी, चावल तो इन्होंने बनाया राजमा और बहुत ज़बरदस्त बने हैं, मैंने इनको बोला भी है, और चावल उसके साथ तो और भी ज़बरदस्त लगे। तो आज आज दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, मेरी एक वीडियो पे आए हैं 1.3 मिलियन व्यूज़ और आए हैं 1,04,000 लाइक्स। तो वो जो वीडियो है आज मम्मी और मैं उसके कमेंट्स पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि मतलब दिखाऊंगी मैं आपको वो वीडियो, कि वो वीडियो बिल्कुल भी मतलब एक कहता है ना कि चीप है, वैसी है, कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ मैं वॉक कर रही हूँ, ये मेरा नसीब अच्छा है। और इंस्टाग्राम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम ने मेरी मेहनत देख के मेरी वीडियो को वायरल किया और आगे बढ़ाया और लोगों ने भी पसंद की, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और यूट्यूब को तो मैं दिल से हमेशा शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने तो मुझे एक पहचान दी है याचना की दुनिया वाली। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बताना कि किसने क्या कमेंट किया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो नॉर्मल सा है, फ़ोन अंदर है, फिर लेके आती हूँ। तो मैं बिना मेकअप के ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, ओके। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कमेंट्स पढ़ना, तो हम पहले आपको अपनी वीडियो दिखाते हैं। ये है मेरी वीडियो, ये दिख तो रही होगी आप लोगों को, लाइट बंद करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरी वीडियो, इसमें देखो मैंने जीन्स पहनी हुई है और कंप्लीट मतलब पूरे कवर्ड कपड़े पहने हैं और इसमें चल रही हूँ। ये देखो मेरे लाइक देखो कितने हैं, 1,07,000। तो 1,07,000 मेरे लाइक आए हैं, 1.3 मिलियन व्यूज आए हैं और कमेंट्स आए इस पे 1,082 कमेंट्स हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना अमान पढ़ रहा था कमेंट्स एंड इतने फनी कमेंट्स दिए थे लोगों ने, पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, या वो कुछ भी बोल देते हैं, मम्मी उन्हें कुछ समझ नहीं आता बोलने से। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो तो मुझे पता है, बट इतने फनी कमेंट्स थे ना कि मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। काफी लोगों के देखो, एक लिखा हुआ है, नाम पढ़ के बताऊंगी, कुंदन, इसने लिखा है गांड में कौन सा सिस्टम होता है और उसमें स्माइल आगे लिखी हुई है, कितना कितना अजीब सा है। देख रहे हो, लोग लिख सकते हैं कि अच्छा है वीडियो, देख रहे हो मम्मी क्या है गांड में कौन सा कमेंट, गांड में कौन सा सिस्टम होता है, ठीक है। तो बेटा कोई सिस्टम नहीं होता है, ये आपके देखने का सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल मत नू आप, क्योंकि आपकी माँ जब चलती होगी तो आप उसकी उसमें भी वही सिस्टम देखते होंगे, आपकी बहन चलती होगी उसमें भी वही सिस्टम देखते होंगे। तो मिस्टर कुंदन, एवरीवन, आई जस्ट वांट टू से, जिस नजरिए से आप अपनी माँ बहनों को देखते हो उसी नजरिए से आप यूट्यूब में या बात में बोलना उनको देखते हो, अपना नजरिया बदल दो। इनको मैंने गलत बिठा लिया शायद, माँ तो माँ ही होती है ना। तो अब देखो, ये है आर्यन, आर्यन का है पिछवाड़ा ही, क्या है मम्मी क्या पढ़, क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ इसने, आधा तो मुझे लिखा हुआ समझ नहीं आता, लोगों को पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, इंग्लिश भी लिखने नहीं आती लोगों को, क्या है पता नहीं मतलब कुछ गलत ही लिखा है, कुछ गलत ही लिखा है, इसको छोड़ो सिस्टम। एक ने लिखा है मिस्टर सदान, इन्होंने लिखा है सिस्टम ये होता ही अच्छा होता बता दिया, सिस्टम यही होता तो अच्छा होता बता दिया। उसने गाना गाया सिस्टम पे, मतलब सिस्टम के ऊपर एक अपनी वॉक दी है, वॉक जिसे कहते हैं। अब उसे आप रुक जाओ, कमेंट बताने दो, हमें तो अच्छा है आपके मैसेज और व्यू से हमारा भी काम अच्छा होगा। एक अच्छे कमेंट्स भी बताऊंगी, एक बड़े प्यारे है सौरभ, तो सोनू काल जी,
उन्होंने लिखा है मेरी प्यारी क्यूटी पाए, ठीक है। काफ़ी लोगों ने लिखा है गजब, काफ़ी लोगों ने पता क्या इमोजीज नहीं होता ऐसे ऐसे वाले इमोजीज भेजे नहीं, अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए हैं, पांच छह लोगों ने या सात आठ लोगों ने ही थोड़े से। और एक है G5028, इसने लिखा है सिस्टम का तो पता नहीं, अदरक की तरह बढ़ती रही तो पैंट जरूर फटेगी। तो भाई थैंक यू सो मच, इस बात पे ध्यान रखेंगे कि अदरक की तरह ना बढ़े, लहसुन की तरह रहे। और एक ने लिखा है बॉयज वो रंजीत, इसने लिखा है ये सिस्टम ऑलरेडी फटा हुआ लग रहा है। इसके ऊपर नो कमेंट्स। हाँ, इसके ऊपर नो कमेंट्स, क्योंकि उसने ऐसा किया होगा तो उसको उसको पता होगा। और सोनू है, उसकी बहन का भी ऐसे सिस्टम फटा होगा, सोनू की माँ का भी ऐसे फटा होगा। सोनू सहानी, इसने लिखा है गान दिखाना सिस्टम हो गया है, देखो मेरा पिछवाड़ा। जो पता नहीं क्या क्या दिखाती है तो उनको तो पता नहीं क्या क्या करोगे। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि मतलब जो इतनी बहुत सारी गर्ल्स हैं, देखो जिसकी बॉडी जिस लायक है वो दिखाएगी, क्यों नहीं दिखाएगी। बड़ी बड़ी एक्टर्स जब बिकनी पहन के उतरती हैं तो उनको भी रिक्शे वाले तक देखते हैं, सब देखते हैं। ये दुनिया है, दुनिया में थोड़े से पैसों में जाके वो 3 घंटे की, मतलब सालों की मेहनत जो पिक्चर्स की होती है सालों की, उनको 3 घंटे में जाके व्यूज दे आते हैं। अरे यार सारी बकवास के लिए वो हीरोइन ऐसे लग रही थी, तो बेटा आप सोचो कितनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत है। वीडियो बनाने जिगरा होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वही सोफिया अंसारी का लेंगे। सोफिया अंसारी बाय नेचर बहुत अच्छी है, बाय हार्ट बहुत अच्छी है, अपना कमा के खा जाइए, बट लोगों को उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, उनसे भी प्रॉब्लम है। एक और अरुण कुमार का है गांड में कौन सा सिस्टम होता है, सब मेरे पिछवाड़े के पीछे पड़ गए हैं इसमें। ये देखो सिस्टम बहुत बड़ा है, ये है साहिल आमिर भाई, फोटोग्राफी का कमाल था, यूं नहीं गई एक तो सिस्टम के पीछे पड़ो ना। एक है सिस्टम, सिस्टम तो फाड़ ही दिया है। एक ये है, नाम मुझे इनका समझ नहीं आ रहा, बहुत ही अजीब सा है। एक है आर वी उपल, सिस्टम बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, मेरा सिस्टम वाकई में बहुत हार्ड है, मार के बताऊं पीछे से। एक है लॉयल प्रिंस, सही है गान खुद की दिखाओ और सिस्टम फाड़ोगे। अभी दिखा वो चल रही है, एक्सक्यूज मी, वो चल रही है, वॉक कर रही है जैसे रैंप पे वॉक करते हैं, बट आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप उसी नजरिए से देखते हैं, उस नजरिए को हम बदल नहीं सकते। तो देखिए, व्यूज दीजिए, कुछ भी दीजिए, पर आप ही अपने सिस्टम को बदलिए प्लीज। व्यूज देने से पहले सोचिए आपके घर में भी माँ बहने हैं, उनके भी सिस्टम है बेटा, चलती तो वो भी होंगी, पिछवाड़ा तो वो भी दिखवाती हैं, गान तो वो भी दिखाती हैं, वो भी चलती उल्टी तो चलती नहीं होंगी कि आपकी साइड मुंह करके चलती। तो आप जब बैठे होते हो ताड़ते हो, मेरी माँ की तो सिस्टम जबरदस्त है, बहन का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। रोहित पटेल, अबे गान दिखा रही है क्या, तुझे नहीं पता क्या मैं गान दिखा रही हूँ। रोहित, वो दिखा नहीं रही है, पहली बात तो तुम देख रहे हो सिर्फ व्यू। ये है कुशल, कुशल 09, ठीक है, सिर्फ व्यूज के लिए है या फिर भूया सपोर्ट भी करोगी, पता नहीं क्या ये है। एक है ऑफिशियल अरियान, ठीक है, अरे बहन छोड़ दिए सिस्टम है, मैं कंफ्यूज था खामा खा इतने दिनों से, इसको आज पता चला कि ये सिस्टम है। बहुत बढ़िया बढ़िया है लोगों के, बहुत ही वाहियात भी है, बहुत खूबसूरत व्यूज भी दिए लोगों ने, काफी लोगों ने बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके नहीं पड़ेंगे क्योंकि 1080 व्यूज है। छोड़िए, अभी बात को यही खत्म करते हैं हम। राजू बन्ना, सिस्टम फाड़ने के लिए बहुत वियर्ड लिखा है इन्होंने, तो ऐसे कमेंट आप ना करें राजू बन्ना जी, क्योंकि आपके पास जो भी है वो भी हम फाड़ देंगे, ठीक है, वो कभी दिखेगा ही नहीं लोगों को, समझे। तो बस इतना ही पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अच्छे व्यूज अब नहीं पढ़ रहे हो, थैंक्स फॉर अच्छे व्यूज के लिए जिन्होंने दिए हैं। अरे एक मिनट, पढ़ेंगे आज सब, पढ़े क्यों नहीं पढ़े दोस्तों, व्यू मतलब इतने सारे कमेंट्स मुझे पहली बार आए हैं, क्योंकि मेरी पहली बार मतलब मेरी पहले भी दूसरी आईडीज पे वीडियोस वायरल हुई है, बहुत अच्छे मुझे बहुत मतलब ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यू लुक डैम हॉट सेक्सी वगैरह वगैरह।
तो मैं ना लोगों की गंदगी बता रही हूँ आपको, कितनी गंदगी है लोगों के अंदर, कितनी भरी पड़ी है जो लोग दिखाते नहीं है। तो कमेंट्स में, क्योंकि अब देखो कमेंट से क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहे हैं ये पढ़ पढ़ के। मैंने भी नहीं पढ़े, आज पढ़े हैं, अमान ने पढ़े थे तो उसने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आए। मैंने कहा बेटा देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपना ये और अपने ये बंद करके चले तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, उनको जवाब देना। घर में रहने वाली लड़की के लिए भी बोल देते हैं कि भैया ये घर में क्यों रहती है, उसमें कुछ खोट होगा, बाहर जाए तो खोट है, घर में रहे तो खोट है। तो इसलिए भाई जो दिल चाहता है वो करो, दो दिन की जिंदगी है, गलत मत करो, अच्छा करो, पर जियो खुल के जियो। एक ने बहुत अच्छा लिखा है वर्मा जी, नाइस जी, वायरल होगी जी, पार्टी बनती है। हाँ जी, हम आपको बिल्कुल पार्टी देंगे। और भी रहते हैं, अच्छे व्यूज भी है इसमें। एक ने लिखा है मोहम्मद हैदर, सिस्टम गांड से शुरू हो क्या है क्या, ये इनका लिखने का मतलब था, बट इनको लिखना ढंग से नहीं आता तो है। हैदर साहब मुस्लिम हो क्या, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। विशाल ने लिखा है क्या सिस्टम है, साला सिस्टम हिला, हिल गया साला। Okay. चलो विशाल, अच्छी बात है, तुम्हें लगा तो हिला, तुम तो सही हो ना, तुम तो नहीं हिले। एक ने मुझे लिखा है पूमा, आपका सिस्टम छोटा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ये लिखने के लिए। एक ने लिखा है डेविल गुज्जर, इसने लिखा ये भी सिस्टम है, बहुत बड़ी सिस्टम की जो इन्होंने वीडियो बनाई थी एल्विश के, मेरे ख्याल एल्विश यादव की वजह से, कि मुझे बिग बॉस में थे वो बच्चा, बिग बॉस में था तो तब इन्होंने इस गाने पे बना दी थी। इन्हें भी नहीं पता था, इन्होंने सिर्फ वॉक के लिए बनाई, कि एक होता ना स्टाइल, उस पर बनाई, ना जहन में था ना दिमाग में था कि ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ सकते हैं। एवरीवन नोज़, देखो तो ये है बिहारी बॉय निखिल का, ये पढ़िए बड़ा बड़ा अच्छा है, हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने पहले ही मोचा सामान लिया है, मैं भी गान देख कर थोड़ा शॉक हो गया था, अब वापस जा रहा हूँ गाली देने वाले बटन पे। ठीक है जी, जैसा आपकी सोच है वैसा आपने लिखा है। एक ने लिखा है पढ़ने दो, बस ना पढ़ो दोस्तों, आप भी जाके पढ़ो ये सिस्टम, ये वाली वीडियो देखो मेरी, और जिसको अच्छी लगी लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, फॉरवर्ड भी करो। हाँ तो मैं स्पेशली आज एल्विश के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, एल्विश जीते मुझे बहुत खुशी हुई, और एल्विश क्यूट भी बहुत है, बिकॉज ऑफ एल्विश, एल्विश का नाम मैंने लिया था अपनी वीडियो में, लिखा था, मेंशन किया था एल्विश, और एल्विश के हैशटैग पे 1 मिलियन थे, तो मैंने उसका हैशटैग भी डाला था, तो इसकी वजह से मैं एल्विश को भी क्रेडिट देना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ, कि मुझे नहीं पता ये गाना किसका है, बट ये दर्शाया एल्विश के ऊपर गया था, तो इसके लिए मैंने अपना वीडियो इस तरीके से, वीडियो तो मैंने पहले ही शूट कर दिया था, गाना बाद में अपलोड किया था एडिट करके। तो थैंक यू सो मच एल्विश जी, आप आ गए हैं, मैं आपसे मिलना भी चाहती थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं आना भी चाहती थी, कहाँ पे था वो, गुड़गांव, बट मैं आ नहीं पाई क्योंकि उस दिन मुझे बहुत तगड़ा वाला फीवर था, बट कभी ना कभी अगर एल्विश तुमसे मेरी मुलाकात हुई तो हम एक सेल्फी जरूर खिंचाना चाहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, याशना शोना ऑफिशियल मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, मैं और मेरी माँ बहुत फ़नी वीडियोस बनाते हैं, और हम लोग अभी इस पे यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं फ़नी, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमें, आप लोगों को हम अच्छे लगते हैं, तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट करके भी बता दे करिए कि कैसी लगी कैसी नहीं, जो भी होता है बताओ हमें। मम्मी उदास क्यों हो गई, सिस्टम देख कर मम्मी वीडियो बनाने वाली थी, मैंने कहा अभी मत बनाओ, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में बनाएंगे। और जहाँ तक का ब्लॉगिंग का सवाल है दोस्तों, मैंने आपको सुबह समझा दिया था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी अन्ना नहीं है तो मेरा मन नहीं करता इतना ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि अन्ना के कोई आया है, अन्ना के बिना दिल नहीं लग रहा, अनाया अनाया तो खैर हमारी जान है, मेरा दिल करता है कि मैं अनाया को लिया, हो सकता है लिया हो, कौन आया है, अमान भाई आया।